नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं नेशन वन। नेशन वन के प्रोग्राम में आज बातचीत के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं खेमराज उनियाल जी। तो बातचीत करेंगे खेमराज उनियाल जी से, जो मूल रूप से बालावाला के रहने वाले हैं और बालावाला के निवासी हैं, और लॉकडाउन के दौरान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और कितने लोगों तक राशन इनके द्वारा बांटा जा रहा है, किस तरीके की सेवा इनके द्वारा की जा रही है, आइए इसी संदर्भ में बात करेंगे खेमराज उनियाल जी से। नमस्कार उनियाल जी, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कब से आप ये जो लोगों को, जो गरीब असहाय मजदूरों को जो खाना बांटने का काम कर रहे हैं, लगभग कब से आप ये चला रहे हैं? पहले तो आपका स्वागत और अभिनंदन भाई साहब। ये जो है, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, मैं 23 तारीख से लगातार बालावाला, नकरुंदा, नथुवाला, जहाँ पर भी मतलब गरीब मजदूर वर्ग के लोग जो है फ़ोन आते हैं या मुझे मिलने आते हैं, उन तक मैं राशन पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और 23 तारीख से लगभग मैं लगातार आज तक जो है लगातार ही राशन वितरण कर रहा हूँ। क्या इस मार्च से? 23 मार्च से सर, 23 मार्च से मैं लगातार ही राशन वितरण कर रहा हूँ। लेबर में लगभग 250 से ऊपर परिवार में राशन वितरण कर चुका हूँ। और निम्न वर्ग के जो लोग हैं गांव के, हमारे कुछ लोग जो सामने नहीं आ पा रहे हैं और शर्म कर रहे हैं, उन मैं किसी और लोगों के माध्यम से, अड़ोसी पड़ोसी के माध्यम से जानकारी ले रहा हूँ। तो जो मुझे जानकारी दे रहे, मैं उनके घर पर वो राशन पहुँचवा रहा हूँ और उनके द्वारा उनको राशन वितरण किया जा रहा है। देखिए खेमराज उनियाल जी की एक अच्छी बात यह है कि इनके द्वारा कहीं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं किया जा रहा है, और यूँ कहें कि नर सेवा नारायण सेवा की जो नीति है, चुपचाप लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक अपनी सेवा देना, उसी काम पे ये लगे हुए हैं। और अब थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके के लोग इनके पास में आ रहे हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको भी मदद हो रही है, ये जो स्थानीय गरीब परिवार जो यहाँ हैं उनको भी ये कुछ मदद पहुंचा रहे हैं, या वो लोग भी इनसे उम्मीद कर रहे हैं, या वो भी संपर्क कर रहे हैं? मेरे पास दोनों वर्ग के लोग जो हैं, मज़दूर भाई लोग भी मेरे से मदद लेने आ रहे हैं, घर पे भी आ रहे हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैंने फ़ोन नंबर लगभग सभी के कमरे में दे रखा है, लेबरों के कमरे में जाके मैं सभी लोगों को, लेबर क्लास जो लेबर है तबके की, उनको मैं जागरूक भी कर रहा हूँ इस बीमारी के बारे में कि जी हाथ धो, ये मतलब दूरी बना के रखो, उनको साबुन वगैरह भी, मास्क वगैरह भी मैंने बांटे हैं। और उस बीमारी के प्रति कि इस बीमारी से ये नुकसान है, ऐसा है, इसको ऐसे स्वच्छ रहने से ये मतलब दूर हो जाएगी, या इससे आपको परहेज करने से इससे मतलब ये तुम्हें इससे कोई ख़तरा नहीं होगा, इस तरह की मैं अपने 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लगभग दायरे में जो मेरे लीवर हूँ, लगभग उनके संपर्क में मैं सुबह 7 बजे से 1 बजे तक नित्य रोज़ नियम के हिसाब से रहता हूँ। और लगभग मैं जो हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के गरीब मीडियम वर्ग के लोग हैं, उनके काफ़ी हद तक मैं एक लोगों के माध्यम से, जैसे कोई लोग मुझे बताते हैं कि भाई वहाँ पे गरीब परिवार है, उन तक मैं राशन पहुँचवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और खुद मैं उनको राशन देने नहीं चाहता हूँ, मैं दूसरों के जो मुझे सूचना देते हैं मैं उन्हीं के घर पर छोड़ के आता हूँ, कि जिससे उनको भी उनके मान सम्मान में कोई ठेस ना पहुँचे और वो किसी तरह से उन्हें कभी शर्मिंदा ना होना पड़े। निरंतर हमारे साथ लगे हुए थे, एक मतलब ये, अगर मैं ये समझूं कि दो तरह से काम चल रहा है, एक तो व्यक्तिगत उनियाल जी अपने स्तर से भी कर रहे हैं और एक इनकी पूरी टीम है वो भी मिलजुल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक सवाल और लेना चाहूँगा आपसे उनियाल जी, क्या सरकार की तरफ से अभी तक आपको कोई सहयोग मिला है, या किसी तरीके की कोई किट उपलब्ध कराई गई है, या कोई राशन आपको मिला है, या बीस्ट वेडिंग पॉइंट में जो किचन चल रही है वहाँ पे कुछ इस तरीके की सरकार की तरफ से कोई योगदान मिल पाया? सर, सरकार की तरफ से तो किचन के लिए कोई योगदान नहीं है, ये हम लोग खुद अपनी ही मिलजुल के काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से काफ़ी मतलब राशन आया है, पार्षदों के पास आया है, और वहाँ पर राशन वितरण भी किया जा रहा है गरीब, उन्होंने सूची भी बनाई है। और 3-4 दिन से जो है मुख्यमंत्री जो निधि से जो राशन आ रहा है वो भी वितरण किया जा रहा है हर वार्ड में, तो उसमें भी एक अच्छी पहल है, लोगों तक मतलब एक कम से कम एक सुविधा है, उनको भोजन की व्यवस्था करी जा रही है। और वो किट भी जो CM साहब की तरफ से है बहुत अच्छी आ रखी है, बहुत उसमें पर्याप्त मात्रा से राशन है जो कम से कम 10-15 दिन तक चल सकता है।
हाँ, 10-15 दिन तक चल सकता है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो सरकार है वो सरकार को भी इस बात की जिम्मेवारी का एहसास है और उनके द्वारा भी इस तरह की किट प्रोवाइड की जा रही है। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।